नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी विनी के कनमोल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पायलट के बागी तेवरों से गरमाई राजनीति, गहलोत दिल्ली गए। बिहार में जातीय गणना पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। सीएम गहलोत ने फिर दी चेतावनी, कुख्यात अपराधियों की खैर नहीं। जयपुर जिले में 3.5 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर। और पीएम बोले, जो अधिकारी 15 से 25 साल पहले सेवा में आए, अमृतकाल तक लाने में उनकी बड़ी भूमिका। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवरों के बाद से गरमाई राजनीति के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जा रहे हैं। वहां उनके स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री का ये ताजा दिल्ली दौरा अचानक बना है। साथ ही जारी हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की दिल्ली से वापसी की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में अचानक रातों रात बदला हुआ। गुरुवार को जारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जयपुर से अजमेर और फिर जयपुर वापसी का कार्यक्रम बताया गया था। बिहार में जातीय गणना पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। जातीय गणना की रोक वाली याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जनगणना क्षेत्र केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार के पास जातीय गणना का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहे महंगाई राहत शिविर के लिए जिला स्तर पर अधिकारी आवश्यक प्रबंध करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान सरकार ने महंगाई से राहत देने वाली 10 योजनाओं का लाभार्थियों को फायदा देने के लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक पंचायतों और नगरीय निकाय के वार्डों में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। जयपुर जिले में 3,42,798 बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का लाभ बीपीएल उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह और कृषि उपभोक्ताओं को 2,000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिविल सर्विस डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आजादी के अमृतकाल तक लाने के लिए उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15 से 25 साल पहले इस सेवा में आए हैं, और अब उन युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15 से 25 साल तक इस सेवा में रहने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा, योजना का अंतिम छोर तक पहुंचना ही हमारी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार और सिस्टम के लिए कहा कि ये पिछले सिस्टम की ही देन थी कि 4 करोड़ से ज्यादा नकली गैस कनेक्शन, नकली राशन कार्ड बने थे। चारधाम यात्रा शनिवार से शुरू होगी। 22 अप्रैल को यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 25 को केदारनाथ और 27 को बद्रीनाथ विशाल के दर्शन शुरू होंगे। यात्रा से ठीक पहले चारों धामों के बीच 1,550 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर यात्रियों का जायजा लिया गया। पहले जहां ऋषिकेश से सड़क मार्ग से चारधाम यात्रा पूरी करने में कम से कम 7 दिन लगते थे, इस बार 6 दिन रोजाना 7 घंटे की यात्रा में यात्रा पूरी हो सकती है, क्योंकि 85% रास्ता सुगम हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को रतनगढ़ के दौरे पर रही। सूरतगढ़ से जयपुर जाते समय पूर्व सीएम रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर स्थित होटल में रुकी, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भी कार्यकर्ताओं में स्वागत की होड़ लग गई। भाजपा कार्यकर्ताओं में गुटबाजी के कारण धक्का मुक्की शुरू हो गई, इससे कुछ कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फट गए। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट मुद्दे को लेकर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से खुद को अलग बताते हुए कांग्रेस के साथ होने की बात कही है। पायलट और दूसरे नेताओं के बयानों पर खाचरियावास ने कहा कि मैं सबके बयान का सम्मान करता हूं। मेरी किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से, पायलट साहब से कोई लड़ाई नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि मुझे सोनिया गांधी ने उस समय पार्लियामेंट का टिकट तब दिया था जब बीजेपी ने मुझे हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया था। ऐसे में मैं उस परिवार का सम्मान करता हूं। राजस्थान के मेहंदीपुर में स्थित बालाजी धाम में हुए 11 करोड़ के घोटाले के तार पंजाब से जुड़ रहे हैं। केस की जांच करते हुए आज सीबीआई ने फरीदकोट के गांव जैतो में छापा मारा।
टीम ने मामले में 5 संदिग्ध आरोपियों के घरों में 5 घंटे तक जांच पड़ताल करके रिकॉर्ड जब्त किया, बैंक डिटेल भी खंगाली। एडवोकेट जसवंत सिंह जस ने बताया कि बालाजी ट्रस्ट मेहंदीपुर ने वहां की SBI की शाखा में लगभग 13 करोड़ रुपए के सिक्के जमा करवाए थे। 5 साल पहले नए मैनेजर ने सिक्के कम लगने पर एक निजी कंपनी को टेंडर देकर सिक्कों की गिनती करवाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट के टेंडर जारी किए गए हैं। इसमें अलवर जंक्शन भी शामिल है। यहां भी 3 लिफ्ट लगेंगी। लिफ्ट लगने से बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में आसानी होगी। यात्री भार तो देखते हुए अलवर जंक्शन पर एस्केलेटर की सबसे अधिक जरूरत है। हाल ही में रेवाड़ी जंक्शन के लिए 4 एस्केलेटर के टेंडर हो गए हैं, लेकिन अलवर जंक्शन के लिए इसके टेंडर नहीं हो सके हैं। जबकि अलवर से निम्न श्रेणी के स्टेशनों दुर्गापुरा, गांधीनगर, फालना में एस्केलेटर लग चुके हैं। जयपुर के सीतापुरा के JECC में राष्ट्रीय आयुष मेले की शुरुआत हुई। ये 23 अप्रैल तक चलेगा। PHD चैम्बर राजस्थान के अध्यक्ष दिग्विजय ढाबरिया ने बताया कि PHD चैम्बर केंद्रीय आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस मेले में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी के महत्व और विकास पर मंथन होगा। मेले में देश के जाने माने चिकित्सकों गंभीर बीमारियों पर निःशुल्क परामर्श के साथ योग, पंचकर्म का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। राजस्थान में 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर शुरू होने जा रहा है। चुनावी साल ये आखिरी बड़े सरकारी कैंप होंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंपों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पर सभी अधिकारी कैंपों को लेकर काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद कैंप शुरू होने हैं। कैंपों को लेकर सभी जिला कलेक्टर्स ने अपने अपने क्षेत्र में तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन कलेक्टरों के सामने मुश्किलें बढ़ गई है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद से जुड़े पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ससुराल के राशन कार्डों में नाम जुड़वाने के लिए नवविवाहित महिलाओं का उसी पोर्टल से, पीहर पक्ष के राशन कार्डों से नाम तो हट गया, लेकिन नए नाम ससुराल में नहीं जुड़ने से वे परेशान हैं। साथ ही पिछले 2 सालों से जन्मे बच्चों के भी नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। कारण यह है कि 2 साल से पोर्टल बंद है। परिवार में शामिल हुए नए सदस्यों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डों में नहीं जुड़वा पा रहे हैं। झुंझुनू में लोग राशन कार्ड में नाम जुड़वाने और शुद्धिकरण के लिए ई मित्र से लेकर सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। राजसमंद जिले में महंगाई राहत कैंप 2023 अभियान के अंतर्गत 24 से 30 जून तक जिले के 46 जगह स्थायी महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा राज्य के बजट 2023 के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। स्थायी शिविर लगाने के लिए 36 ग्रामीण और 10 शहरी क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचेंगे। शाह यहां पर रोड शो करेंगे और पार्टी में बगावत को रोकने के लिए वे बैठकें करेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अमित शाह का राज्य का ये पहला दौरा है। राज्य में पार्टी के वरिष्ठ लिंगायत नेताओं ने पाला बदला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमित शाह दोपहर तक बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वो बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में एक रोड शो करेंगे। इसके अलावा शाह पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के पार्टी से बाहर निकलने के बाद के घटनाक्रम के बारे में बैठक करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।